हमारी बहन बेटियों की इज्जत आप लोगों से छुड़वाया किया जाता है, हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने छोटवालों से इनकी बेटियों को मर लाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। अपने अंतिम प्राण के क्षण तक हमने इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सर नहीं होगी, खून के अस्पूत है, खून का भूत पीते रह जाते हैं। तुम क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हो? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, क्या तुम होम मिनिस्टर नहीं हो मुसलमानों के? रावण ने खराबी ये थी कि उसने सीता मैया का अपहरण किया था, सीता मैया पर बुरी निगाह डाली थी, उसके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं था। मैं पूछता हूँ, क्या अगर रावण बुरा था उसका बदनाम जी ने किया, तो क्या राम भक्तों की आज ये जिम्मेदारी नहीं है कि आज जो महिलाओं को अपमान करते हैं, जो पुली ऐप बनाते हैं, भाई ऐप बनाते हैं, मुसलमान की बहू बेटियों की बेइज्जती करते हैं, फोरसेल लिखते हैं, क्या ये रावण के भक्त नहीं है? जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। साहिल लुधियानवी ने जुल्म की ये जो औकात बतलाई है ना, उसी के खिलाफ दहाड़ रही हैं A114 बहादुर मुस्लिम लड़कियां, बुजुर्ग औरतें, जो उन्हें सरे बाजार नीलाम कर देना चाहते हैं। पिछले 6 महीने में दूसरी बार उनकी तस्वीरें आम करके बोलियां लगाई गईं। ये निंदा की नहीं बल्कि ज़मीर को मार देने की घटना है, जिस पर समाज के एक बड़े हिस्से की मुर्दारी छाई है। ये दीगर बात है कि लड़कियाँ मुस्लिम हैं तो उनके हक में निंदा भी नहीं आई। ये सब उस भारत में हो रहा है जहाँ नारी को देवी का दर्जा हासिल है। नवरात्रि में खास तौर पर देवियों की उपासना की जाती है और अष्टमी पर घर घर कन्या यानी बेटियों का पूजन होता है। रक्षाबंधन, भैया दूज भी बहनों को समर्पित पर्व हैं, जिनमें उनकी रक्षा और सुरक्षा का संकल्प लेने वाले भाई आज अपनी ही हमवतन मुस्लिम बहनों की नीलामी तक जा गिरे हैं। पिछले साल जुलाई में सुली ऐप पर मुस्लिम लड़कियों की बोली लगाई गई, मुसलमान छटपटाए, प्रोटेस्ट किया। बिहार के किशनगंज से सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद गृह मंत्री अमित शाह से मिले, कार्रवाई के लिए कहा, अफसोस कोई एक्शन नहीं हुआ। 6 महीने बाद मध्य प्रदेश के इंदौर से ओंकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है, जो सुली ऐप पर नीलामी का मास्टरमाइंड है। तब जब दूसरी बार बुल्लीबाई ऐप पर 114 मुस्लिम लड़कियों की नीलामी की घटना से पूरी दुनिया में हंगामा मचा है। अपने देश की एकता के लिए, अपने देश के भाईचारे के लिए, अपने देश के अमन के लिए, वो बुरा है जब वो बेईमान जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, लोगों को कत्ल करने की बात करते हैं और खुद को कहते हैं देश प्रेमी। मैं पूछता हूँ, क्या वो देश प्रेमी हो सकता है जो अपने ही देशवासियों के 20 लाख लोगों का कत्ल करने की बात करे? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटजिक ऑपरेशन के DCP KPS मल्होत्रा ने पत्रकारों से कहा, ओंकारेश्वर ठाकुर उस ट्रेड ग्रुप का मेंबर है जिसे मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल करने के लिए ट्विटर पर बनाया गया था। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें न्यूज चैनल्स और अखबार दोनों शामिल हैं, में सन्नाटा पसरा है। ये वही मीडिया है जो लव जिहाद, ट्रिपल तलाक, हलाला जैसे मुद्दों पर दिन रात भोपू बना रहता है। सुली डील्स का मुद्दा जब ठंडा पड़ गया तो गिटी हब पर उनका नया वर्जन बुल्ली ऐप लॉन्च कर दिया गया। इसमें अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नीरज बिश्नोई, जो कि मध्य प्रदेश का है, महज 21 साल उम्र है, BTech सेकेंड ईयर में पढ़ता है। पुलिस पूछताछ में उसने जो कुछ कबूला है वो उसकी करतूत से भी कहीं ज़्यादा हैरान करने वाला है। उसे इस बात का रत्ती भर भी पछतावा नहीं है कि उसने लड़कियों की नीलामी जैसा घिनौना गुनाह किया है, बल्कि ये भी सामने आया कि बुजुर्ग महिलाओं को लेकर उसके विचार खतरनाक हैं। बुल्लीबाई ऐप मामले में जो 3 और आरोपी पकड़े गए हैं, उनमें मयंक रावल, विशाल कुमार झा और श्वेता सिंह हैं। कितनी हैरान करने वाली बात है कि लड़कियों की नीलामी जैसे घिनौने अपराध में एक लड़की भी शामिल है, वो लड़की जिसने हाल ही में अपने माता पिता दोनों को खो दिया हो। ये सभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? इनके दिलों दिमाग में मुसलमानों को लेकर इतनी नफरत और जहर कैसे भर गया? मोटे तौर पर 2 जवाब सामने आते हैं। पहला, देश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें 20 करोड़ मुसलमानों को अनटचेबल यानी अछूत बनाने की अथक कोशिश शामिल है। इसे 2 घटनाओं से समझ सकते हैं। एक, हरिद्वार की धर्म संसद, जिसमें 20 लाख मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया गया, और दूसरी, बुल्लीबाई पर मुस्लिम लड़कियों की नीलामी। इन खौफनाक घटनाओं पर ना तो सरकार की चुप्पी टूटी और ना ही कोई दूसरा राजनीतिक दल सड़क पर उतरा।
ये हाल मुसलमानों के राजनीतिक तौर पर अनटचेबल होने का संकेत तो देता ही है। ये जो धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नरसिम्हार की जो बात कर रहे हैं उनके खिलाफ तो कोई बोलो, बोलो अमित शाह तुम देश के होम मिनिस्टर हो, बोलो नरेंद्र मोदी तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हो? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, क्या तुम होम मिनिस्टर नहीं हो मुसलमानों के? बताओ कांग्रेसियों, क्या तुम मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिए संविधान के तहत? कोई नहीं बोलेगा, मगर जब इलेक्शन आएगा उत्तर प्रदेश का तो एक मुसलमान से डर दिखाएगा, एक बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर और हासिल करेंगे। मुसलमानों से नफरत की जो दूसरी बड़ी वजह है वो है मीडिया। पिछले एक दशक से भारतीय मीडिया मुसलमानों को खलनायक बनाने की जिस कोशिश में रोज जहरीली डिबेट को देश के घर घर तक पहुंचा रहा है, हरिद्वार धर्म संसद और बुल्लीबाई ऐप उसी का रिजल्ट है। मीडिया ने मुगल काल का अत्याचार दिखाकर मुसलमानों से रिवेंज लेने वाली एक खतरनाक भीड़ तैयार की है, जिसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, अफजल गुरु, पाकिस्तान, आतंकवाद, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच, वंदे मातरम, जनसंख्या वृद्धि, हर एक बहस में विलेन के तौर पर पेश किया गया। मेनस्ट्रीम मीडिया ने 20 करोड़ आबादी के खिलाफ बहुसंख्यक हिंदुओं को दिमाग में शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। जरूरत पड़ी तो किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर, एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। जो नफरत पैदा की है उसमें मुसलमान भी बराबरी के शरीक हैं। वो आज तक उस जहरीली मीडिया के बहिष्कार की जरूरत नहीं कर पा रहे हैं जिसने उन्हें उनके अपने ही मुल्क के शहरियों का दुश्मन बना दिया है। आखिर में एक और बात पर गौर करना जरूरी है। सुल्ली डील्स ऐप का मास्टरमाइंड ओंकारेश्वर और बुल्लीबाई ऐप का सरगना नीरज बिश्नोई दोनों मध्य प्रदेश से हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नए राजकाज में अल्पसंख्यकों पर सिलसिलेवार तरीके से हमले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आपसे अपील है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेनस्ट्रीम मीडिया जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है उसमें वैकल्पिक मीडिया खड़े करने की जिम्मेदारी आपकी है।